हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चैनल पे मैं काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं हूं और वीडियोस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, आपको अब काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ इस चैनल पर देखने को मिलेंगे और आपको काफ़ी नॉलेजबल वीडियोज़ और ई मित्र से रिलेटेड वीडियोज़, अनबॉक्सिंग वगैरह और नॉलेजबल वीडियोज़ ये सब कुछ मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस से जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये होने वाला है नोज की तरफ से, जो ट्रूली वायरलेस यहाँ पे लिखा हुआ है और ट्रूली वायरलेस ये होने वाला है। इसमें कोई भी वायर नहीं है, ठीक है, ये वायरलेस होने वाला है। ये नोइस के ईयरबड्स हैं जो ट्रूली वायरलेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे इसकी बात करने वाले हैं, इसका वर्जन है VS104 Pro, ठीक है। तो ये यहाँ पे मॉडल होने वाला है। इसको आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स सारी बात करने वाले हैं अनबॉक्सिंग के टाइम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। क्या क्या इसके साथ मिलने वाला है, कैसा आपको डिज़ाइन मिलेगा, कैसे बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, वो सारी बात कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिना देरी के वीडियो में एंड तक बने रहिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके का बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हुआ है नॉइस ट्रूली वायरलेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेड इन इंडिया होने वाला है, डिज़ाइन बाय मेड इन इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ इसके फीचर्स दिए गए हैं जिनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.3 यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे हाइपर सिंक्रोनाइज मिलेगा। ये होता है जब आप, तो ये जल्दी से आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा बिना किसी लैग के, बिना किसी परेशानी के, तुरंत ये कनेक्ट हो जाएगा 2 से 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये फीचर्स यही काम आने वाला है। फिर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये चार्जिंग इंस्टा चार्ज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चार्ज होता है और जल्दी चार्ज हो जाता है। यहाँ पे लाइटिंग का दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो पोर्ट है वो चार्जिंग पोर्ट है वो टाइप सी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे 14.2 mm का यहाँ पे ड्राइवर देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्वाड माइक देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको जो प्ले टाइम है वो आपको यहाँ पे 40 घंटे का देखने को मिलेगा। तो आप इसे 40 घंटे तो नहीं, लेकिन आप 30 घंटे तक आराम से सुन सकते हो बॉक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉक्स के साथ तो आप यहाँ पे 30 घंटे तक आराम से सुन सकते हो। मैंने ट्राई किया है तो काफ़ी अच्छे से ये बैकअप दे रहा है, इतना तो नहीं लेकिन काफ़ी अच्छे से ये बैकअप दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी MRP की बात करें तो यहाँ पे देखिए MRP दी हुई है। तो MRP इसमें तो काफ़ी ज़्यादा दे रखे हैं, इसमें 4999 दे रखा है, लेकिन ये आपको काफ़ी सस्ती देखने को मिलेगी। मैंने इसको बाय किया है यहाँ पे 1700 रुपये में, 1699 में बाय किया है, ये मुझे 1700 रुपये में मिली है, ठीक है। और नॉइस की तरफ से ही मैंने मंगाया है, नॉइस की ऑफिशियल साइट से। अगर आपको भी मंगाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मंगा सकते हो। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं, किस तरीके से इसका डिज़ाइन होने वाला है। ओके, तो अब जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले से यहाँ पे हटा रखा है, तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ आपको सील देखने को मिलेगी। तो यहाँ से इनको हटा लेना है या कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको सिंपली प्रेस करोगे आगे, तो ये देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको 2 केसिंग देखने को मिलेगी। इसमें आपको यहाँ पे चार्जर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ होने वाला है। अब यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से चार्जर होने वाला है, कितनी बड़ी केबल होती है, क्या क्वालिटी मिलती है। ओके, तो यहाँ पे टाइप सी केबल देखने को मिलेगी और जो इसकी साइज़ है वो काफ़ी छोटी है लेकिन सफिशियंट है, आप इसमें आराम से चार्ज कर सकते हो। आप इसे लैपटॉप में लगा के या फिर आपके पास अडेप्टर है तो उसमें लगा के चार्ज कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो आप अपने जो अडेप्टर आता है मोबाइल का उसी से चार्ज करें, इसे अदर किसी चार्जर से चार्ज नहीं करें, क्योंकि इनकी बैटरी ख़राब हो जाती है, काफ़ी छोटी आती है, लिथियम आती है। तो आप एंड बैंड चार्जर से यूज़ ना करें, जो आपकी कंपनी का चार्जर है वही यूज़ करें, बस केबल इसका यूज़ कर सकते हो। या आपके पास टाइप सी केबल है, आपका फ़ोन टाइप सी सपोर्ट करता है, तो उससे आप चार्ज कर ले, ठीक है, उससे भी काफ़ी अच्छे से चार्ज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेन यूनिट की, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इसमें मेन यूनिट होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे कुछ इसकी गाइडलाइन वगैरह और इसकी जो बुक्स वगैरह हैं वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टिकर्स देखने को मिल रहे हैं, इनको आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी कुछ
रीसेट वगैरह की सेटिंग्स दी हुई है, कैसे ये काम करेगा, कैसे रीसेट होगा, वो सारी यहाँ पे दी हुई है, कैसे इसको कनेक्ट करना है, कैसे पेयरिंग करना है, ठीक है। फिर बात करें तो यहाँ पे ये आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है, तो यहाँ पे देखिए वारंटी कार्ड मिल रहा है, इस पर आप रजिस्टर करके इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो यूज़र मैनुअल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो काफ़ी बड़ी रामायण है, आप इसे फुर्सत से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं मेन यूनिट की, तो इसे निकाल लेते हैं और यहाँ से इसका रेपर हटा देते हैं, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स होने वाला है, यहाँ पे नॉइस की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे देखिए टाइप सी देखने को मिलेगा, यहाँ पे लाइटिंग वाला पॉइंट देखने को मिलेगा, और ये रीसेट बटन है। तो यहाँ पे ये रीसेट बटन है, कैसे रीसेट करना है वो सब इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो बर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे इस ब्रांडिंग दी हुई है लेफ्ट और राइट की, ठीक है। दोनों यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है लेफ्ट और राइट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इसके अंदर भी लिखा हुआ है, और जो कलर है इसके अंदर काफी अच्छा ग्लो कर रहा है, काफी अच्छा इसमें मैट फिनिश दी हुई है, और यहाँ पे ग्लोसी फिनिश दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको निकालेंगे, और निकालने के बाद में ये देखिए यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ओपन करके ही आपको मोबाइल से पेयर करना है, ठीक है। आप ऐसा ना करें कि इसको निकाल के और फिर इसको बंद करके पेयरिंग करने को लगे, ठीक है, तो पेयरिंग नहीं होगा। इसको ओपन करके रखें 2 सेकंड के लिए, और यहाँ पे मोबाइल ओपन करें और वहाँ पे पेयरिंग कर लें। तो इसकी डिज़ाइन है वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी, काफ़ी छोटी है, और ये आपके कानों में काफ़ी अच्छे से फिट भी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसका जो ड्राइवर है वो काफ़ी हैवी है, 14.2 mm का यहाँ पे ड्राइवर मिलने वाला है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, आवाज़ को लेकर काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव लगेगी आपको आवाज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों की साइज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी छोटे हैं, और ये आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करने वाला है। जैसा कि आप अगर लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके कान पेन कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा दिक्कत आपको नहीं आएगा कि अपन लॉन्ग टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी बढ़िया है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी पे कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है कि कमज़ोर है या फिर ऐसी अनबैंड क्वालिटी है, ठीक है। और यहाँ पे ये इस तरीके से केसिंग आपको देखने को मिलेगी, इसको आप चार्ज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्ले टाइम आपको मिलने वाला है। मैं इसको 2 दिन तक यूज़ करा बिना चार्जर के, तो काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला, कोई भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि इसमें थोड़ा सा लेग करता है, जब भी अपन बात करते हैं या फिर वीडियोज़ वगैरह स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा लेग देखने को मिलेगा, जब आप बोलोगे हेलो तो मतलब कुछ सेकेंड्स, लिटिल बिट सेकेंड्स आपको लेट सुनाई देगी। जैसे हेलो बोलोगे तो यहाँ हेलो बोलूँगा तो उसके बाद में वहाँ पे हेलो सुनाई देगा, ठीक है। तो कुछ सेकेंड्स का यहाँ पे डिले आपको देखने को मिलेगा, और ये डेफिनेटली मिलेगा। आप अगर इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो ये ले सकते हो 1600 रुपये में, मतलब 1699 रुपये में आपको ये मिलने वाले हैं। इसको आप परचेज़ करना चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, इस प्राइस में तो काफ़ी अच्छे हैं। आपको इस प्राइस में ऐसी साउंड और ऐसी क्वालिटी कहीं देखने को नहीं मिलेगी, बस इसमें थोड़ा सा लेक आपको देखने को मिलेगा, तो उसको आप अगर इग्नोर कर सकते हो तो इसे परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी प्राइस में आपको ये देखने को मिलेंगे, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, आपको कोई भी क्वालिटी से शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक से जो कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कुछ इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर ज़रूर आपको करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक से जो कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।